शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज राखी के दिन पर तुमने मेरे भैया की कलाई सुनी नहीं रहने दी। तेरे लबों पे निकले जो मोती, तेरे लबों पे निकले जो मोती, सुन ले तू मन मेरा मुक्त हो जाए, सुन ले। परी भाभी, रिश्तों में आया हुआ ये बदलाव बहुत अच्छा लगा, और ये सब आपकी वजह से। सौम्य भैया से तो तोहफा जरूर लूंगी, लेकिन उसके पहले आपने जो ये खुशियों भरा तोहफा दिया ना, बहुत अच्छा लगा। अब सौम्य भैया तोहफा नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। रियली? अच्छा ठीक है, सौम्य को जो डायमंड का सेट ठीक है तो मैं दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, जो कुछ भी है मुझे चाहिए, मेरा ही तो है, मेरा हक है, यू नो। जब से तुम संग नाता जोड़ा छूट गई मैं। ये लड़की कौन है? ये मेरी फियांसे है। फिल्मों में देखा है मैंने, अगर किसी को अपना बनाना है तो उसे जेलस करना चाहिए। देखो, तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे ना? हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा। भाभी, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? बताइए ना। ईशाना, तुम्हारा और आदि भैया का ब्रेकअप क्यों हुआ? जो बात मैं खुद नहीं समझ पा रही, वो मैं आपको कैसे बताऊंगी? मेरे और आदित्य के बीच सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। इनफैक्ट वो उसकी मदर को लेके मामा को मिलने भी आया था, पर न जाने क्यों मिले बिना ही चला गया। बाद में मुझे पता चला कि आदित्य अब गलत ढंग से कमाई, चोरी, बेईमानी, पर भाभी वो सुधरने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे पूछा भी, क्या उसकी मुझे ना मिलने की ये वजह है? सच कहूं भाभी, मुझे तो ये सारी बातें बहुत अजीब और उलझुल जैसी लगती है। पर भाभी, मेरा दिल कहता है आदित्य भी मुझसे प्यार करता है, और भाभी भाभी मैं तो सिर्फ आदित्य से प्यार करती हूँ। नहीं रुक जाइए, कन्यादान नहीं करेंगे। ये हक मैं आपको नहीं देती। ईशाना,
मुझे पहले ही कह देना चाहिए था। इशारा बेटा, कन्यादान तो माँ बाप ही करते हैं ना? हाँ, पर मैं अपने माँ बाप खो चुकी हूँ। इशारा, ये तुम क्या बोल रही हो? माँ बाप के जीते जी ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। अगर आप मेरे माँ बाप की सच्चाई जान लेते तो आप मुझे इसे नहीं समझाते। ईशाना, बहुत हो गया, कब से तुम्हारी बकवास होने जा रही हूँ मैं। मुझसे आप किसी और बात की उम्मीद भी मत रखिएगा। Enough is enough, ईशाना। अब चुपचाप कन्यादान के लिए बैठो। उनके हाथों मेरा कन्यादान कैसे होने दे सकती हूँ, जिन्होंने मेरे पति को 25 साल तक अपने माँ बाप से दूर रखा। अपनी माँ की गोद से दूर रखा। ईशाना बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो ईशाना बेटा, तुम जो कुछ भी कह रही हो बहुत सोच समझ के बोलो। तुम जानती नहीं, हम लोगों के लिए, हमारे खानदान के लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है। जानती हूँ दानी माँ, जानती हूँ, पर शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ जिन्होंने आपके परिवार की खुशियां छीन ली। चिराग छीन लिया और आपके घर में अंधेरा कर दिया। मैं हमेशा आदित्य की आंखों में अपने माँ बाप के लिए एक तड़प देखती थी। उसकी आंखों में वो सवाल देखती थी जिनके जवाब वो जानता ही नहीं। मेरे और आदित्य के प्यार की तरफ देख के इन्होंने ये बात छुपा के रखी। जुबान को ताला लगा दिया। नए जुड़ते हुए रिश्तों में दरार ये नहीं डालना चाहती थी, पर मैं कैसे चुप बैठ सकती हूं? पर मां बाप का पाप सिर पे लिए मैं नहीं जी सकती। ये रिश्ता कायम नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए, मैं अपने माँ बाप को कन्यादान का हक कैसे दे दूँ? कन्यादान की रस्म को होने तो बेटा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कन्यादान की विधि पूरी हो तो कन्यादान जरूर होगा। कन्यादान मेरे मामा पापा नहीं, भैया और भाभी करेंगे। मामा, कुछ देर के लिए मैं आपको दिखाई नहीं दी, कुछ पल के लिए आपकी आंखों से ओझल हो गई, की जाने निकल गई। हाँ बेटा, हाँ वो मैं चाहूँ। चल मेरे बच्चे,
तुझे फेरे के लिए बुला रहे हैं। अपने परिवार वालों के लिए क्या अच्छा है मैं जानती हूँ। अच्छा चलती हूँ। आदित्य परी भाभी को मिलने के लिए बेचैन हो रहे होंगे ना। एक बात और, मामी जी इस टॉपिक पर फिर दोबारा कभी कोई बात नहीं करना चाहूंगी। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? संजना ही है, हूँ सर। जब आप लोगों को पता था कि संजना का और सौम्य भय का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है तो क्यों आपने परी भाभी के साथ उनकी शादी कराई? बहुत हो चुका, कोई कुछ बोले ना बोले लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। परी भाभी आप इतनी सहनशील क्यों हैं? आप इतनी अच्छी क्यों हैं? क्यों सहन कर रही है अन्याय? क्या आपको पता नहीं अच्छे लोगों को हमेशा दुख ही मिलता है? आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी और से प्यार करते होते। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था ना। मान लो अगर शादी से पहले तुम किसी और को चाहते होते और शादी के बाद भी तुम अपने प्यार को भुला नहीं पाते और इन सब के बावजूद मैं तुम्हारा साथ देती और माथे पे शिकन लाए बिना अपने पत्नी धर्म का पालन करती तो हम तीनों में से सही कौन होता, गलत कौन होता? अगर आप संजना को छोड़ नहीं पाए थे तो आखिर परी भाभी से शादी ही क्यों की? इतना सब सुनने के बावजूद तुम अभी यही खड़ी हो? निकल जाओ इस घर से और सौम्य भैया की जिंदगी से। भाभी आप क्यों चुपचाप ये सब सह रही है? शिकायत क्यों नहीं करती?